Hey guys, welcome back once again on my channel. मैं हूँ आपकी दोस्त किरण और आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप ट्यूटोरियल लेकर के आई हूँ दोस्तों। और आज का मेकअप ट्यूटोरियल है दोस्तों हरितालिका तीज के फेस्टिवल को लेकर के। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से हमारे बहुत जगह मनाया जाता है, देश के बहुत सारे राज्य में मनाया जाता है और इस फेस्टिवल को हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इसमें जो नई नवेली दुल्हन है या फिर शादीशुदा लेडीज होती हैं बहुत ही अच्छे से सजती हैं धजती हैं अपने हस्बैंड के लिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का मेकअप ट्यूटोरियल आपके सामने लेकर के आई हूँ और साथ के साथ ही आज मैं आपको इसमें बताऊँगी कि कैसे आप डिटेल में हेयर स्टाइल बना सकती हो जिससे आपका जो मेकअप है और भी सुंदर और खूबसूरत लगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप सजना धजना चाहती हैं इस वाले हरितालिका तीज पे तो आज का वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का लिया हुआ है वाटर मेलन जेल। इसकी मदद से अपने पूरे फेस को क्या करेंगे, हाइड्रेट करेंगे और इसकी जगह जो है आप कोई मॉइस्चराइजर क्रीम या फिर फेशियल सीरम या फिर एसेंशियल ऑयल कोई सा भी लगा करके अपने पूरे फेस को मॉइस्चराइज कर सकते हैं क्योंकि दुल्हन का फेस है। इसके पहले मैंने DIY बहुत ही अच्छी अच्छी मेरे चैनल पर डाल रही हूँ, वो ज़रूर देखिए आपके फेस को गोरा और ब्राइट करने के लिए और ग्लो करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है परफेक्ट प्राइमर है हमारा कलर बार का, तो प्राइमर लगा लेते हैं। प्राइमर लगाने से दोस्तों आपका फेस क्या होता है बहुत ही ज़्यादा चिकना होता है, स्मूथ होता है और साथ के साथ आपके फेस में क्या करता है वो आपके पोर्स वगैरह को फिल करता है। अब यहाँ पे मैंने लिया है NYBE का फाउंडेशन लिया है जो कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा फुल कवरेज तो नहीं देता, मीडियम कवरेज देता है। आप फुल कवरेज वाला फाउंडेशन लगा सकते हैं अपने फेस में क्योंकि ब्राइडल जैसा ही मेकअप होता है इसका, तो फुल कवरेज का फाउंडेशन लगाइए पूरे फेस में। अब अपने हाथों की फिंगर से इसको मर्ज कर लीजिए। अब अपने यहाँ पे क्या करते हैं अपने आईब्रो को फिल करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक कलर बार का पेंसिल लिया है, आईब्रो पेंसिल, जिसकी मदद से अपने आईब्रो को बहुत ही अच्छे से फिल करेंगे और जितना भी मोटा या पतला आपको रखना है उसी हिसाब से लाइन करें पहले और फिर इसके अंदर आप उसको अच्छे से फिल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ब्रश जो होती है कॉम जैसी ब्रश होती है उसकी मदद से इसको काफ़ी अच्छे से सेट करें। अब इसको आईब्रो को और भी ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत दिखाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको कंसीलर होता है, कंसीलर की मदद से इसको काफ़ी अच्छे से क्लीन करें। इससे आईब्रो जो है बहुत ही शार्प और बहुत ही अच्छी उसकी शेप दिखती है और सुंदर भी दिखता है, इसलिए इस तरह से कंसीलर हमें सभी जगह अच्छे से लगा लेना है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हम जो है फाउंडेशन लगाने के बाद कंसीलर अपने फोरहेड पे, अपने होंठ के चारों साइड में और आँखों के नीचे काले घेरे होते हैं और आपके आईलिड पे अगर आप हमेशा आई शेडो मेकअप करेंगे तो उसको इन्हेंस करने के लिए कंसीलर लगाते हैं। और फिर ब्यूटी स्पंज की मदद से काफ़ी अच्छे से डैब डैब करके उसको ब्लेंड करें। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा घसीटे नहीं, आराम से ब्लेंड करना, बिल्कुल ऐसा नहीं जल्दबाजी नहीं कर, आराम से थोड़ा टाइम देकर के अगर अच्छा मेकअप चाहती हैं तो थोड़ा टाइम देकर के अच्छे से ब्लेंड करें। अब इसको फाउंडेशन और कंसीलर को आपको क्या करना है बहुत ही अच्छे से सेट करना है। इसके लिए यहाँ पे हमने लिया है बहुत ही अच्छा ट्रांसलूसेंट पाउडर है, लूज पाउडर है, आप इसकी जगह कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका क्या होता है फाउंडेशन और कंसीलर आपके फेस में सेट रहता है, बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, क्रीज नहीं होता है, पैचेज नहीं आते हैं। अब अपने आईब्रो के लिए चलते हैं आई मेकअप के लिए। तो यहाँ पे एले गर्ल का हमने आई शेडो पैलेट लिया हुआ है जिसमें सबसे पहला हमने शेड लिया हुआ है ट्रांजिशन कलर, और ट्रांजिशन कलर जो है ये ब्राउन वाला शेड है, लाइट ब्राउन कलर है और क्रीज लाइन एरिया पे इसको लगा लेना है सबसे पहले और उसके बाद फ्लफी ब्रश की मदद से इसको ब्लेंडिंग करना है। तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, वो कर ले। और फिर उसके बाद हम जो है आउटर कॉर्नर पे यहाँ पे हम जो है ब्लैक वाला शेड ले रहे हैं सेम आई शेडो पैलेट में से और एक जो है तीखा जो तीखा नुमा होता है उस तरह से हम बना देंगे। और फिर उसके बाद अंदर की साइड में यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा जो सिल्वर वाला शेड होता है ना वो ले लिया है, शिमर टाइप का सिल्वर शिमर शेड है वो ले लेते हैं और काफ़ी अच्छे से इसको हमें जो है लगा लेना है। पहले अंदर की जो लीड होती है वो लगा लेते हैं और फिर उसके बीच में हम डालेंगे दोस्तों ग्रीन वाला शेड जिससे हमारी साड़ी का जो इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छे से आएगा। मेरे साड़ी में जो है यहाँ पे पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है इसलिए इस तरह से हमने लुक उभार किया है जिससे बहुत ही सुंदर लगे। और इन सभी इस कलर को जो है आपको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है, इसको छोड़े नहीं तो अलग सा ही दिखेगा, पैचेस दिखेंगे, इसलिए ब्लेंडिंग ज़रूरी है। लोअर लैशन पे भी आपको इस तरह से बाहर की ओर थोड़ा सा ब्लैक वाला शेड लगाना है और उसके बाद बीच में चाहे तो ग्रीन शेड लगा ले और बाहर की ओर जो है आपको थोड़ा सा जो है गोल्ड या फिर सिल्वर वाला शेड लगा लेना है, इससे आंखों का बहुत ही सुंदर और उभर के कलर दिखता है। तो बहुत ही ज़्यादा हैवी वाला जो मेकअप है वैसा नहीं है, ईजी है आई का मेकअप, आप इसको ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया लुक आएगा आपका। तो यहाँ पे हम SQ का यहाँ पे ब्लैक कलर का जो है हमारा काजल है बहुत ही डीप ब्लैक कलर का काजल है दोस्तों वो ले लेते हैं और अपने लोअर वाटर लाइन एरिया पे काफ़ी अच्छे से लगाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे
अपनी लैसेस को कर्ल करेंगे, चाहे ऊपर का लैशेज हो या लोअर लैशेज हैं, काफ़ी अच्छे से कर्ल कर लेते हैं। और साथ के साथ यहाँ पे हम लोअर लैशन को भी बहुत ही अच्छे से कर्ल लेते हैं। कर्ल करने से आपके लैसेज सुंदर भी दिखते हैं और खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद NYBE का ही है यहाँ पे दोस्तों, हमने लिया है लिक्विड आईलाइनर लिया है। इसकी जगह आप कोई सा भी जेल आईलाइनर या फिर पेंसिल आईलाइनर जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, जेल आईलाइनर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से लगता है। अगर आपको लिक्विड लाइनर लगाना नहीं आता है तो आप जेल आईलाइनर ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है, पेंसिल की मदद से या फिर ब्रश की मदद से लगता है। हमने विंग लाइनर क्रिएट करके यहाँ पर लाइनर लगा लिया है। उसके बाद NYBE का हमने लिया है कंटूर पैलेट, और यहाँ पे हम ऑफलाइन जो हमारा जो है विंग लाइनर लगाएंगे, सॉरी ऑफ फॉल्स लेसेज लगाएंगे। फॉल्स लेसेज आपको जो है ऑफलाइन लगाना, इसका ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। NYBE का हमने यहाँ कंटूर लिया हुआ है दोस्तों। कंटूर आप अपने, अगर आपका फेस थोड़ा सा मोटा है और आपका जो है गाल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फुला फुला रहता है, आपको पतला दिखना है, नाक थोड़ा सा बल्गी है, तो कंटूर ज़रूर करें। कंटूर करने से आपका ये सभी चीज़ें छुप जाती है। उसके बाद मैबलिन का यहाँ पे मस्टर्ड क्रोम का कंटूर पैलेट है, जिसमें हमारा हाइलाइटर प्लस ब्लश दोनों है। उसकी मदद से अपने कंटूर को सेट करेंगे, पाउडर फॉर्म में होता है इसलिए काफ़ी अच्छे से आपका कंटूर भी बिल्कुल गीला गीला सा नहीं दिखेगा और सेट रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। उसके बाद यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ही दोस्तों बहुत ही अच्छा हमारा हाइलाइटर प्लस ब्लश ब्लशर शेड है, वो ले लिया है और ब्लश लगा लेते हैं। हल्का सा पिंक पिंक वाला लुक आएगा, दुल्हन है तो थोड़ा पिंक पिंक ज़्यादा ही लगाएं तो अच्छा लगेगा। मैबलिन का मास्टर क्रोम का यहाँ पे हमारा जो है हाइलाइटर है, तो हाइलाइटर अपने जहाँ पे भी सेंटर ऑफ फेस है वहाँ पे अपने हाइलाइटर लगा लेते हैं, और हाइलाइटर लगाने से आपका फेस जो है थोड़ा सा सुंदर और बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और आपके चीक बोन्स भी हो गया और साथ के साथ ही ब्रो बोन्स भी, नाक के ऊपर ब्रिज बनाएं, और हाइलाइटर लगाने से आपका फेस ऐसे ग्लो ग्लो लगेगा। DIY में बहुत सारा बताती हूँ, ज़रूर चेक करिएगा, हाइलाइटर की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पे मैबलिन का मास्क हमारा जो है इन्फ्लुएंसर मेकअप फिक्सर, उसकी वजह से हमने अपने मेकअप को फिक्स कर लिया है। लिपस्टिक के लिए NYBE का हमारा जो है यहाँ पे लिपस्टिक है दोस्तों, पिंक कलर का लिपस्टिक है क्योंकि पिंक कलर का साड़ी है, तो कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे हमने पिंक लगाया है। अगर आप रेड कलर का साड़ी पहनते हैं तो रेड कलर का भी लिपस्टिक लगा के सेट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने हेयर स्टाइल पे। हेयर स्टाइल के लिए यहाँ पे हम अपने हेयर स्टाइल को सबसे पहले फ्रंट वाला जो हेयर स्टाइल होता है, जो मिडिल वाला पार्टीशन होता है, उस वाले पार्टीशन पे हम बैक कॉम्बिंग करेंगे। इस तरीके से बैक कॉम्बिंग करने से क्या होगा, आपके बाल में जो है फ्लफी, अगर आप पफ वगैरह कुछ भी बनाती है तो बहुत ही अच्छे से पफ बनता है, तो इसलिए बैक कॉम्बिंग ज़रूरी है। और बैक कॉम्बिंग से आपका जो लुक है और भी ज़्यादा सुंदर और उभर के दिखेगा, आपके बालों में एक्स्ट्रा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसलिए बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आज का हेयर स्टाइल जो थोड़ा फ्लफी वाला जो होता है ना, हमारा जो आगे का पफ होता है वैसा बनाएंगे, जो कि नेचुरल पफ जैसा दिखेगा, और इसमें कोई भी चीज़ का जो एक्स्ट्रा बाहर का पफ बनाने के लिए लोग यूज़ करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें बैक कॉम्बिंग करके इस तरह से आपको पफ जैसा जो है बना लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो है बीच का पार्टीशन निकालूँ क्योंकि मांग टीका लगाना है, तो बीच का पार्टीशन निकाल के और उसके बाद पीछे इस तरह से आपको जो है बाल को लेना है दोस्तों इस तरह से, और पीछे भी आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको पफ जैसा बैक कॉम्बिंग करनी है, और फिर काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको एक रबर या फिर क्लिप की मदद से बिल्कुल हल्का सा जो है फ्लैट करके आपको क्लिप लगा देना है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका मांग टीका बहुत ही अच्छे से फंसता है और फिर बाहर नहीं निकलता। इस तरीके से आपको पीछे थोड़ा सा बाल लेके क्लिप लगा दिया है बैक कॉम्बिंग करके, और यहाँ पे हम जो है मांग टीका उसके अंदर फंसा देंगे, तो ये मांग टीका बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मांग टीका हमने लगा लिया है। अब फ्रंट वाले हेयर स्टाइल को जो हमने बैक कॉम्बिंग की थी उसको हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ले लेते हैं और दोनों साइड से, और काफ़ी अच्छे से कॉम करके इसको सेट कर लेंगे हल्के हल्के हाथों से, और फिर इसको पफ बनाने के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट करें और आगे की ओर इसको पुश करें इस तरीके से। इस तरीके से पुश कीजिएगा तो आपका जो पफ है इतना सुंदर और खूबसूरत दिखेगा कि आपको लगेगा नहीं कि आपके इसके आपके नए पफ बनाने के लिए कुछ इस्तेमाल नहीं किया है। तो बहुत ही ईजी है बैक कॉम्बिंग करके आप जो है बहुत ही सुंदर पफ निकाल सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर हमने इसको पफ को हमने सेट कर देना है दो तीन सेफ्टी पिन की क्लिप की मदद से, बेबी क्लिप हो जाता है या फिर टिक टैक वाला क्लिप होता है वो सब लगा लेते हैं। और साइड वाले बाल को भी थोड़ा सा बैक कॉम्बिंग इस तरीके से करेंगे क्योंकि साइड वाला बाल को हमें छोड़ना नहीं है, उसको भी यहाँ पे हमें साइड से निकाल के लेना है। तो हल्का सा बैक कॉम्बिंग हम साइड वाले बालों पे भी कर देते हैं दोनों साइड से, ऐसे यहाँ पे भी हम जो साइड में जो पार्टीशन निकालेंगे वो भी बहुत ही सुंदर और उभर के दिखेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है कर दिया है, और इसको इस तरह से दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आपको कॉम करके पीछे ले लेना है हल्का हल्का, ऊपर ऊपर हाथों से कॉम करें, थोड़ा सा फुला फुला सा लुक आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे पफ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको भी इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको जहाँ पे आपने फ्रंट पफ का क्लिप लगाया है सेम उसके जस्ट नीचे आपको क्लिप से इसको सेट कर देना है, तो साइड से भी थोड़ा सा फुला फुला लुक आएगा और जो दुल्हन वाला लुक होता है ना वैसा आएगा। और सेम हम जो है दूसरे वाले साइड भी इसी तरीके से कर लेते हैं।
तो बैक कॉम्बिंग करने से आपके बाल जो है मतलब थोड़ा फ्लफी फ्लफी वाला लुक होता है, बिल्कुल चिपका चिपका लुक नहीं आएगा, इसलिए बैक कॉम्बिंग हमेशा ज़रूरी है। तो ये देखिए दोनों साइड का लुक आप देख सकते हैं दोस्तों, हल्का सा फुला फुला लुक आ रहा है, बिल्कुल चिपका चिपका लुक नहीं आएगा। तो इसी तरीके से दोनों साइड से हमने काफ़ी अच्छे से इसको सेट कर दिया हुआ है। हमारा जो फ्रंट का लगभग हो चुका है, ये देख सकते हैं देखने में इतना सुंदर और खूबसूरत लग रहा है ना, हल्का हल्का फुला फुला सा लुक आया हुआ है। अब चलते हैं अपने बैक की ओर। तो बैक में हमने यहाँ पे पूरे बाल को इस तरह से पीछे पोनी बना लेना है, इस तरीके का कॉम करके, और एक रबर की मदद से अपने बाल को काफ़ी अच्छे से सिक्योर कर देंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल भी बाल आपका हिलेगा डुलेगा नहीं। तो थोड़ा टाइट करके यहाँ पे आपको जो है सिक्योर करना है इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से आपको बाल लेना है और इसको पीछे पलट करके यहाँ पे आपको एक क्लचर लगाने की ज़रूरत है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको क्लचर से इसको बाल को ऊपर की ओर थोड़ा फिक्स कर दे और फिर नीचे की ओर इसको इस तरह से गिरा देना है और थोड़ा सा कॉम करके इसको सेट कर ले। और फिर आपको देखिए नीचे में आपको कितना लंबा आपको बाल की ज़रूरत पड़ेगी, इतना लंबा करके, और इसके बाद नीचे भी आपको क्या करना है, एक रबर इस तरह से लगा देना है। इस तरीके से यहाँ पे हमने रबर लगा दिया हुआ है और इस रबर वाले पार्ट को आपको इस तरह से अंदर घुसा करके यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से आपको घुसा देना है। और फिर उसके बाद जो है आपको यू पिन की मदद से काफ़ी अच्छे से इस बाल को सेट कर देना है। तो काफ़ी अच्छे से सेट करना है जिससे आपका बाल खुले नहीं और लॉन्ग लास्टिंग रहे, क्योंकि इस तरह के फंक्शन में थोड़ा लंबा टाइम होता है। इसी हिसाब से आपको हेयर स्टाइल बनानी चाहिए कि बाल आपके खुले नहीं और लॉन्ग लास्टिंग आपके बाल रहे बने हुए। तो इसी तरीके से जो हमने यू पिन की मदद से काफ़ी अच्छे से इसको सिक्योर कर दिया, देखने में देखिए कितना मस्त वाला जूरा बन के रेडी हुआ ना, बहुत ही ईजी और बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा ये हमारा ईयरिंग्स है, इसकी मदद से हम जो पीछे अगर आपके पास इस तरह का कोई भी हेयर का ऐसे मटेरियल है तो वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो है बहुत ही अच्छा ईयर रिंग्स एक पीछे लटका दिया और इस तरह का रेड रोज कलर का हमारे पास है, ऑप्शनल है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपके पास और भी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो लगा ले, या फिर आप यहाँ पे गजरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा जो आज का हेयर स्टाइल बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं डिटेल में आपको दिखाती हूँ कि कितना मस्त आपका जो है हेयर स्टाइल विद इन कुछ ही मिनट के अंदर आपको बन करके रेडी हो जाएगा। तो ऐसे भी बहुत सारे हेयर स्टाइल की ट्यूटोरियल मैं लेकर के आती रहूँगी, और ब्राइडल मेकअप है ही हमारे चैनल पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेकअप को और भी इन्हेंस करने के लिए आप अपने घर पे क्या DIY कर सकते हैं, सारे ट्यूटोरियल सारे चीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलती रहती हैं, आप ज़रूर चेकआउट करें। अभी तीज और ईद और रक्षाबंधन आ रहा है तो आप ज़रूर ट्राई करें ये वाला सब लुक और ट्यूटोरियल DIY। तो ये देखिए ये हमारा फाइनल लुक है जिसके के अंदर हमने मांगटीका ले लिया, बिंदी लगाया, मेकअप का आपने देख ही लिया। तो दुल्हन के जैसा लुक करने के लिए आपको साइड का ऐसे नथ वगैरह पहनिए, गले में जो भी है वो पहनिए, और हमें बताइए ज़रूर कि आपको आज का ये मेकअप और हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट्स करके। और भी ऐसे हेयर स्टाइल और ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, नए नए हेयर स्टाइल और ट्यूटोरियल आप सभी के लिए लेकर के आती रहूँगी दोस्तों। तो अच्छा लगे तो आज का वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट करके हमें दिल से बधाई दीजिए, कमेंट्स करके बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पेज भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई भी